What's up guys, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। जो आने वाला साल है यार, वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुशियां लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, बस यही दुआ है। सो यार, आज हम देखने वाले हैं एमए बंटाई का नया गाना रॉयल रंबर, प्रोड्यूस बाय बीके। और रॉयल रंबर आपको पता ही होगा, अगर आप रेसलिंग देखते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं, तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट है ये रॉयल रंबर, जिसके अंदर 30 रेसलर्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं नीचे। तो मुझे लगता है गाने का जो थीम है वो यही होने वाला है कि एमए ने दूसरे रैपर्स को, रेसलर्स को नहीं, रैपर्स को बाहर निकाल दिया है गेम से, रिंग से, और वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है एंड ही इज द विनर। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि हार्ड गाना होने वाला है, तो देखते हैं गाने में क्या बात की गई है और लिरिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे हम इस गाने में। बट यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बताना चाहूँगा कि यार, ये एमए बंटाई का 2020 का लास्ट सॉन्ग है और ये एमए बंटाई का 35th यानी कि 35वां गाना है 2020 का। जी हाँ, 2020 में एमए ने 35 गाने ड्रॉप किए हैं, जो कि यार अनबिलीवेबल है। मतलब हर महीने लगभग 3 गाने के एवरेज के हिसाब से उन्होंने ड्रॉप किए हैं, और कंसिस्टेंसी जो एमए ने मेंटेन करी है अपनी, जो पिछले 2-3 साल से वो मेंटेन करके रख रहे हैं कंसिस्टेंसी। पहले हर महीने ये गाना लाते थे, फिर 1-2 किए और अभी 2-3 कर दिए हैं। तो यार, कंसिस्टेंसी इज द की कहा जाता है, और यही एमए फॉलो कर रहे हैं। और जो उनकी सफलता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो कंसिस्टेंट है और हर महीने में 2-3 गाने वो लाते हैं। और इस साल एमए ने काफ़ी नई चीज़ें भी ट्राई करी है, काफ़ी वर्सेटाइल गए हैं वो, R&B किया है, काफ़ी चिल हिप हॉप किया है, और भी दूसरे जॉनर्स ट्राई किए हैं, नए लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफ़ी किए हैं इस साल में। तो देखते हैं लास्ट गाना उनका 2020 का कैसा होगा, रॉयल रंबर। सो रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एमए ने अभी पॉप स्मोक की टी शर्ट पहन रखी है। आपको नहीं पता तो बता दूं कि पॉप स्मोक जो है वो अमेरिकन रैपर थे एंड उनकी पिछले साल एक शूट आउट में डेथ हो गई थी। ही वॉज क्वाइट यंग, काफ़ी यंग थे वो, आई थिंक 20 ईयर्स के आसपास उनकी एज थी, एंड पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। तो आई थिंक एक तरह से ट्रिब्यूट है ये उनको। सो ओके, दिल ब्रेक। तो पॉप स्मोक जो है वो जनरली ड्रिल बीट ही करते थे। तो जो मैंने आपको बताया था रॉयल रंबल के जो रूल्स होते थे कि आपको दूसरे रेसलर्स को आपको बाहर निकालना होता था, वही एमए ने बताया कि भाई उन्होंने दूसरे जो रैपर्स थे उनको बाहर निकाल दिया है जिनसे, और वो अकेले खड़े हैं इसमें। सो कितने साल काम किया सस्ते में, खाना खाया रास्ते पे। तो यार, अगर आपने एमए का जो राज जोन्स का इंटरव्यू था, जो उनका फर्स्ट इंटरव्यू था राज जोन्स का, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें जाके। वहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने, मतलब 100-200 रुपये में रिकॉर्डिंग्स करी है लोगों के लिए, एंड वही बात उन्होंने यहाँ बताई है कि भाई सस्ते में भी काम किया है एंड रास्ते पर भी खाना खाया है, लाइक
आई थिंक शूट ओवर के टाइम की बात बता रहे होंगे, जब शूट के टाइम पे लाइक रास्ते पे बैठ के या वो खाना खाया है। सो हसल मैन हसल, नमस्ते भाई। मेरे साथ जो है वो ट्रस्टेड है, जो चले गए वो अरेस्टेड। अभी मेरे ख्याल से जो डांस स्टेप कर रहे हैं ये भी आई थिंक पॉप स्मोक का जो एक कहते हैं ट्रेडमार्क है, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। जनरली वो अपने गानों में ये स्टेप करते थे। ये यार एमिवे की एक मैं कहूँगा ताकत है कि वो उनका जो हुक होता है यार वो इतना कैची होता है कि आपको याद हो जाता है। और उनका पिछला गाना था कारा मंडी के साथ में डोंट बी द वन, तो उसके अंदर एक तो एक कैची हुक की कमी थी क्योंकि वो एक थोड़ा R&B लो फाई टाइप का गाना था, तो उसके अंदर यार एक अच्छा हुक होना चाहिए था और उसकी यही कमी थी। तो अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखा तो आप दे सकते हैं, हाई बटन पे मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लंबा लंबा बॉय, लंबा 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 बॉय, फराट सिंगल बेडरूम से अलग से रूम, यानी कि पहले यार एक बेडरूम वाले घर में रहते थे एंड अभी अलग से एक सेपरेट रूम है मेरा। अब भाई ये सक्सेस है भाई, जो हसल करते हैं भाई उनको कभी ना कभी सक्सेस यही मिलती है। भाई बास पे बास दे रहा है मुझे सुना, इनको लग रहा है ये जीरे ले जंगल में पर ये है जू में। तो वही बात है क्या, जो लेबल्स से जो साइन होते हैं आर्टिस्ट उनको लगता है कि वो जंगल में वो भी इंडिपेंडेंट है, खुले हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो बंधे हुए रहते हैं जो कि जू में जो जानवर होते हैं वो भी, उन्हें तो लगता है कि भाई ये दुनिया है और वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं वो। फैंस मेरे करे फैन मेरे रेज करे शो पे आई एम फीलिंग लाइक ट्रेविस स्कॉट। ट्रेविस स्कॉट भी एक अमेरिकन रैपर है भाई, अगर आप तो अगर आपने उनके लाइव कंसर्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, मतलब पब्लिक पूरी पागल हो जाती है। तो वही हमें ये कह रहे हैं कि भाई उनके भी जो फैंस हैं उसे ही प्यार देते हैं जैसे ट्रेविस स्कॉट की फैन देते हैं। तो ये था गाइस एमवी का रॉयल रंबल, गाना जो था वो यार ड्रिल बीट के ऊपर गाना था ये, जो कि मैंने आपको बताया पॉप स्मोक की खासियत थी कि वो डिल बीट के ऊपर ही गाने का चला जाता। तो गाने की बात करें तो यार काफ़ी सही लगा मुझे ये ट्रैक, स्पेशली जो पिछला ट्रैक था उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसको इस गाने ने कवर कर दिया है। एंड यही बात है, फ्लैक्सिंग करी गई थोड़ी बहुत, थोड़ी अपने हसल के बारे में बताया है कि भाई पहले कैसे दिन देखे हैं हमने और अभी सक्सेस मिली हमें।
तो और यार कैसे एनवे जो है वो गेम चेंजर बने, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट यार कहीं ना कहीं ये सही भी है कि एनवे ने काफ़ी नई ऑडियंस को जो है हिप हॉप की तरफ लेके गए हैं, तो अंडरग्राउंड म्यूजिक की तरफ लेके गए हैं। और इसका जो हुक था या वो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, और उसमें लाइन थी कि उन्होंने हसल किया है इसीलिए वो हम्बल है, तो ये भी बात एकदम सही है कि अगर आपने हसल किया है अपनी लाइफ, अगर आपने स्ट्रगल किया है तो आप में एक हम्बलनेस आ जाती है अपने आप, यही बात है। तो मुझे तो यह गाना काफ़ी ठीक लगा, काफ़ी अच्छा लगा। एंड आपको ये गाना कैसा लगा तो यार कमेंट करके बताओ, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, या वो बेल आइकन को भी थोड़ा दबा के दबा दो यार, क्या जाता है यार, फ्री एकदम, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना सब्सक्राइब करने में, बस वो एक लाल बटन को दबा दो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।